The title of this module is related problem number 2 of the directional derivative. Once again, we have taken this problem from the recommended book and from the recommended exercise. So, beta, dekhte hain ki isme kya hai hamare paas, question kya hai. The question is, in what direction from the point 2, 1, minus 1 is the directional derivative of phi is equal to x square y z cube a maximum? बेटा पहली बात तो ये है कि हमारे पास देखें इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चंस की निस्बत. यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर वो कहते हैं कि अब हमें पहले ये होता था कि हमें फाई गिवन होता था और उसके बाद हमें डायरेक्शन भी गिवन होती थी, उसके लिए हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता था. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि किस डायरेक्शन में, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जो है और इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी. तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे ये देखें कि इन व्हाट डायरेक्शन. तो हमने वो डायरेक्शन जो है वो हमने बेसिकली फाइंड आउट करनी है जहां पे आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है दैट वुड बी मैक्सिमम. और अगले पार्ट में वो क्या कहते हैं, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम. और फिर बेटा उस मैग्नीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसका हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है. तो इसके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाता चलूं ताकि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो कि बेटा हमने बेसिकली जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा और थ्योरम में हमने कहा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी कहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, मतलब उसके ग्रेडियंट की डायरेक्शन में उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी. तो ये तो आपका पहला पार्ट को वो डील करेगा. और अगले पार्ट के लिए थ्योरम का जो अगला पार्ट है वो कहता है कि हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है दैट वुड बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम किसके इक्वल होगी, दैट वुड बी डेफिनेटली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट, मतलब डेल फाई के. तो बेटा अगर आपको ये थ्योरम पता हो तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ इसको हैंडल कर सकते हैं. अदरवाइज अगर थ्योरम ना पता हो तो देखिए आपके माइंड में फौरी तौर पर ये ख्याल आएगा कि हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर. तो इसका मतलब है हमने तो डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन तो हमारे पास है नहीं, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपके फिर माइंड में आएंगे. तो फौरी तौर पर अगर आप बेटा थ्योरम अगर आपको रिकॉल करें तो ये मसाइल आपके फौरी तौर पर हल हो जाएंगे और फौरी तौर पर आपका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा. तो लिहाजा हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फंक्शन फाई गिवन है तो बेटा सबसे पहले हम डेल फाई ही निकालते हैं. डेल फाई के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला है ये हमने यूज किया था, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन फाइनली आ गया, टू एक्स वाई जी क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर जी क्यूब जे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर. तो बेटा हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास अब डेल फाई चूंकि मौजूद है तो डेल फाई इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस फोर आई माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्व के. तो बेटा आगे देखें कि जो बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां पे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि वो क्या लिखा है कि एज वी हैव ऑलरेडी लर्न द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई एंड इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज डेल फाई मॉट. तो बेटा यही बात हमने की, तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन का तो आप स्ट्रेट अवे अब अगले पेज पे जाने से पहले ही आप मुझे बता सकते हैं कि जी डेल फाई जो है अब चूंकि मैक्सिमम डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं जहां पे मैक्सिमम वैल्यू है तो डायरेक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी है. बेटा ये देखें ये डेल फाई ये देखें है ऊपर, तो डेल फाई तो ऑलरेडी ये गिवन है वेक्टर. इसका मतलब ये प्रॉब्लम तो आपका फौरी तौर पर सॉल्व हो गया. तो देखिये बेटा आगे हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग दिस रिजल्ट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन डेल फाई इज इक्वल टू माइनस फोर आई माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्व के. तो देखें ये प्रॉब्लम तो आपको फौरी तौर पर रिजॉल्व हो गया. अब अगला क्या है बेटा, आगे हमने पार्ट टू में जो है वो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. अब मैग्नीट्यूड जो है किसका मैग्नीट्यूड, चूंकि हमें पता है थ्योरम का कि जी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई जो है वही आपके पास जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है. तो लिहाजा बेटा आप यहां से निकाल सकते हैं कि डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई हमारे पास था चूंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, अब यहां पे इसका मॉड निकाल लें तो डेल फाई मॉड इज इक्वल टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ 11. तो लिहाजा बेटा आपने उस थ्योरम की मदद से आपने दोनों प्रॉब्लम्स को अपने दोनों पार्ट्स को बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर लिया. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एग्जाम्पल. थैंक यू वेरी मच.